Hey guys, so welcome back to another video. लेके आज के तुम लोग के लिए एक और बेहतरीन हिप हॉप न्यूज वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। तो आप लोग को पता है कि एलविश यादव जो है वो बिग बॉस के अंदर गए हुए हैं, तो अभी के लिए वो नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसके लिए कलम मिंक ने स्टोरी डाली थी। और बहुत सारे जो रैपर्स हैं जैसे राघव भाई भी हैं, उन्होंने भी बता रखा है कि भाई इस साल जीतेगा तो भाई अपना ही, यानी कि एलविश यादव ही। तो मतलब बहुत हिप हॉप से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो कलम मिंक ने क्या स्टोरी डाली थी आप लोग देख सकते हो। What's up Ingami? I know मैं ऐसी स्टोरीज बहुत कम डालता हूँ, बट एलविश भाई हेल्प्ड मी एंड माई फैमिली जब हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वॉन्ट यू, वो बिग बॉस OTT में जा रहे हैं, जस्ट वोट हिम, लाइक बस करते रहो, 5 बार 6 बार जितनी बार कर सकते हो कर दो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिम विन दिस शो भाई, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बहुत सारे वोट, बहुत ज़्यादा प्यार एलविश भाई को। साथ ही में कलम भाई के जो डेली लिसनर्स हैं वो अभी के लिए स्पॉटिफाई के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। और अगर हम लोग बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जो फुकरा इंसान है उन्होंने विलेन गाना गाया था, जो कि हम लोग को इक्का भाई और कृष्णा का देखने को मिला था। तो वो वाला क्लिप आप लोग देख सकते हो, वैसे कॉपीराइट आ सकता है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें खुद को इस खेल का मैं विलेन, हाँ विलेन, हाँ विलेन। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है किंग भाई को लेकर। तो किंग भाई के जो लापता गाना है उसके अंदर हम लोगों को कमेंट देखने को मिला है एमवे बंटाए का, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। साथ ही में एमसी स्टैन के जो अपकमिंग ईपी आने वाली है, एल्बम आने वाली है, तो बेसिकली उसका पोस्टर जो है वो शायद से रिवील हो गया है। उन्होंने अपने यूट्यूब प्रोफाइल पे वो अलग इमेज लगा रखा था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और कई सारे न्यूज़ में मतलब ऐसा पता चल रहा था अपडेट्स वगैरह में कि ये जो है ये पिंटरेस्ट से उठाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, इनके डालने के बाद वो पिंटरेस्ट पे गया था, यानी कि समझ सकते हो कि कॉपीड नहीं है भाई, ये बनाया गया है और ये पोस्टर हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं डिवाइन एक्स सिद्धू मूसेवाला पाजी का जो गाना आ रखा था चोरनी, तो वो अभी के लिए एक हफ्ते बाद भी अभी ट्रेंड कर रहा है #5 पे ग्लोबली, यानी कि यूट्यूब के ग्लोबल म्यूजिक रैंकिंग में अभी #5 पे चल। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो आप लोग बहुत देर बाद देख रहे होगे, यानी कि अपलोड होने के बहुत देर बाद, जब तक ये न्यूज़ बहुत पुरानी भी हो जाती है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो डाल भी देते हैं, तो मतलब न्यूज़ जो है वो फीकी हो जाती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे जब मैं वीडियो डालूं तब आप तक पहुंच जाए। अभी नया चैनल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही सीन है कि अभी सब्सक्राइब तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है।